नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र ज़िला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो सोनभद्र ज़िला, यह ज़िला भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में से एक सोनभद्र ज़िला के नाम से जाना जाता है। सोनभद्र ज़िला उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की ओर का ज़िला कहलाता है, जिस वजह से इस ज़िले की सीमा बिहार राज्य और झारखंड राज्य और कई राज्य से मिलती है। सोनभद्र ज़िला भारत का एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा चार राज्यों से मिलती है। इस ज़िले का हेडक्वार्टर ऑफिस रॉबर्टगंज शहर में मौजूद है और सोनभद्र ज़िला मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत आता है। सोनभद्र ज़िला पहले मिर्ज़ापुर ज़िले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के वर्तमान समय में सोनभद्र को मिर्ज़ापुर ज़िला से अलग करके एक नया ज़िला सोनभद्र ज़िला बना दिया गया है। इस ज़िले की स्थापना 1989 में मिर्ज़ापुर ज़िला के बंटवारे के समय किया गया था। इससे पहले सोनभद्र ज़िला मिर्ज़ापुर ज़िले का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। सोनभद्र ज़िला के पड़ोसी ज़िले का नाम मिर्ज़ापुर ज़िला, चंदौली ज़िला, बिहार का कैमूर ज़िला व रोहतास ज़िला, झारखंड का गढ़वा ज़िला, छत्तीसगढ़ का सुरगुजा ज़िला और सिगरौली का ज़िला जो मध्य प्रदेश में स्थित है। सोनभद्र ज़िला में 3 तहसील, 8 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 4 विधानसभा, 21 पुलिस स्टेशन, 146 डाकघर, 1 सरकारी अस्पताल, 1 नगर पालिका परिषद, 4 नगर पंचायत, 66 न्याय पंचायतें, 489 ग्राम सभा, 464 ग्राम पंचायतें, 10 शहर और 1441 गांव में बंटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो सोनभद्र ज़िले का कुल क्षेत्रफल 6788 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस ज़िला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 3,33,000 है। आबादी की बात करें तो इस ज़िले की कुल आबादी 18,63,000 है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 9,71,500 और महिला की कुल आबादी 8,91,500 है। इस ज़िले का औसत लिंगानुपात 918 के करीब है, यानी कि यहाँ पर 1,000 पुरुष पर 918 महिला हैं। इस ज़िला में हिंदू धर्म की आबादी 82% तथा मुस्लिम धर्म की आबादी 18% है। सोनभद्र ज़िले के मुख्य नदी का नाम सोन नदी है। सोन नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 399 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 880 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सड़क रास्ते की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े ज़िलों में पहुँच सकते हैं। वैसे इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 7 और नेशनल हाईवे संख्या 75 गुजरती है, जो आगे चलकर बड़े बड़े ज़िलों से मिलती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी ज़िला और ज़िला के छोटे बड़े गाँवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो सोनभद्र ज़िले के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम सोनभद्र रेलवे स्टेशन है, चोपन रेलवे स्टेशन है। ये सभी रेलवे स्टेशन इसी ज़िला में मौजूद हैं। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िले की साक्षरता दर 64% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 64% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। इस ज़िले के महत्वपूर्ण पीजी कॉलेज बनवासी पीजी कॉलेज और राजकीय महिला कॉलेज है। दोस्तों, सोनभद्र ज़िला के बारे में आपकी
क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।